ब्रेंडन रॉजर्स ने बनाया पेप ग्वार्डियोला की सिटी का भरता, ब्रूनो फर्नांडेस बन के आए मैनचेस्टर यूनाइटेड के विघ्नहर्ता, क्लॉप की लिवरपूल ने आर्सेनल का तोड़ा गुरूर, और वार ने किया मोरिनियो के जीत का सपना चकनाचूर। जी हाँ, बात कर रहे हैं प्रीमियर लीग गेम वीक 3 और गेम वीक 4 के रिव्यू के बारे में। और मेरे साथ यहाँ पर आज फिर से एक बार हमारी एनिग्मैटिक कैरिज्मेटिक टीम अर्शदीप और रजत मेरे साथ। सो हाय हाय एवरीवन, हाय व्यूअर्स, वी ऑल टुगेदर गैदर्ड फॉर अनदर इंटरेस्टिंग ओवरव्यू ऑफ द गेम वीक 3 एंड प्रीव्यू ऑफ द गेम वीक 4 एंड सम इंटरेस्टिंग स्टार्ट्स ऑफ कोर्स। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग रिजल्ट्स ऑफ द गेम वीक, एंड नोबडी प्रेडिक्टेड अस थ्री, वी डिड नॉट प्रेडिक्ट बाय द वे, दिस वाज अ एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ऑफ द गेम वीक। अ लॉट ऑफ यूनाइटेड एंड लिवरपूल फैंस वुड हैव लव्ड द वे सिटी कैपिटुलेटेड 5-2 एट देयर ओन होम, राइट? रजत, आपने ये गेम देखा, यू सॉर्ट ऑफ वेंट थ्रू मिनट बाय मिनट अपडेट ऑफ द गेम, व्हाट डिड यू sort of make out of this game? So Weber, very quickly I'll take you through my observations. Dekhiye, the home team came out all guns blazing and they definitely had the better start in this game. And they were the ones who were looking much better prepared. Aur chauthe minute mein hi Kevin De Bruyne ne cross circle mein dala aur wo bahar header ke through aaya, lekin Mahrez ke paas ball aaya aur unhone curl karke top corner mein उसको गोल में तब्दील किया। लेकिन उसके बाद से लेके जो मोमेंटम शिफ्ट किया है ब्रेंडन रॉजर्स ने, इन्फ्यूरिएट कर दिया पेप गार्डियोला की टीम को कि ये ऐसी टीम जो हमसे कभी मुकाबला नहीं कर पाती थी इस तरीके से खेल रही है। दूसरा गोल होते होते रॉड्री का, जब तक गोल डिसअलाउ हुआ हेडर से, तब तक मोमेंटम एकदम बदल चुका था और लेस्टर एकदम चढ़ के खेलना चालू हो गया था। उसी मिनट में लेस्टर ने स्कोर करके इक्विलाइज किया, 1-1 कर दिया, और उसके बाद से तो मैनचेस्टर सिटी पूरे मैच में दिखाई नहीं। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आज ब्रेंडन रॉजर्स मन बनाकर आए हैं पेप गार्डियोला को दिखाने के लिए कि भैया हम में भी कोई बात है, हमारी टीम में भी कोई बात है, ऐसे नहीं हम 3 साल पहले चैंपियन थे प्रीमियर लीग के और पिछले साल भी ऑलमोस्ट टॉप 4 में फिनिश कर गए थे। तो ऑल इन ऑल आई थिंक डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को मिस कर रहे थे पेप गार्डियोला, उनके रेगुलर डिफेंडर स्टार्ट नहीं कर रहे थे, एमरिक लेपोर्ट कोरोना वायरस से डाउन थे, बेंजामिन बेंडी बुरी तरह से एक्सपोज हुए फ्लैंक के ऊपर, उनको तो ऑलमोस्ट मतलब हर मूव के अंदर बाईपास करके निकल के जा रही थी लेस्टर की टीम। और आप देखें कि अंडर प्रिपेयर्डनेस जो मैनचेस्टर क्लब्स के हमें पिछले मैच में देखने को दिखी थी, इस बार फिर से नजर आई। एरिक गार्सिया और काइल वॉकर ने सॉफ्ट पेनल्टीज दे दिए जेमी वार्डी को, एंटर करते ही सर्कल के अंदर जैसे ही डी में एंटर किए उन्होंने उनको पुश करके गिरा दिया और वो पेनल्टी के लिए वेट ही कर रहे थे, ही वॉज लुकिंग फॉर कॉन्टैक्ट, और जैसे ही कॉन्टैक्ट हुआ वो सर्कल में गिरे और उस टाइम पे अब रेफरी ने पेनल्टी दिया। बुरे हाल हो सकते थे, 5-2 हुआ। पहली बार पेप गार्डियोला ने 700 मैचेस डगआउट से उन्होंने एज अ कोच खेले हैं और पहली बार 5 गोल उनकी टीम के अगेंस्ट हुए हैं। तो ऑल इन ऑल आई थिंक लेस्टर डिजर्व दिस विक्ट्री एंड दे आर लुकिंग वेरी गुड दिस सीजन। आई थिंक नाउ दे आर वेरी गुड कंटेंडर फॉर टॉप 4 दिस सीजन ऑल्सो। थैंक यू रजत। आई एम श्योर लेस्टर आर नो अंडरवेट्स, लाइक लास्ट सीजन ऑल्सो दे वर ऑलमोस्ट इन द रनिंग फॉर द टॉप 4 पोजिशन। आई थिंक लास्ट ईयर कुछ 10-12 गेम में उनका फॉर्म खराब हो गया था एंड यूनाइटेड एंड चेल्सी एक्चुअली ओवरटुक द यू नो लेस्टर इन द लास्ट 10-12 गेम्स। बट मूविंग अहेड, Arsh, yours and mine prediction of a Liverpool victory against Arsenal, you know, that was proven right. And rightly so, I think Liverpool deserved the game the way they played. What did you make out of the game, Arsh? See, thank you so much, Vaibhav. Again, hello to all our viewers. See, Liverpool and Arsenal ka game, it was a game which you can say it was a complete Liverpool performance. The first quote jo is game mein main karunga ki Arsenal were good but Liverpool were outstanding. So we cannot say that Arsenal played a bad game, but it was Liverpool which overpowered them literally by player to player, you can say by all sort of things, by the energies which people showed. See, pehli baat ye hai ki Mikel Arteta
ने वो गेम ऐसे सेट करने की कोशिश की थी शुरुआत में, अगर आप 24-25 मिनट जब तक उन्होंने गोल नहीं किया, कि दे वर फोकसिंग नॉट टू कंसीड इन दिस गेम एंड दे वांटेड टू यूज देयर काउंटर अटैकिंग प्रोवेस, be it Aubameyang or Lacazette, just to snatch a victory maybe, or just to get a draw. This is how it has been, you know, how they have in fact defeated Liverpool in this season. Pehle bhi wo do baar hara chuke hain is season aur previous season ki agar aap baat kare to. Now coming back to the game, I think the first goal came which came for Arsenal came against a run of play when we saw Liverpool dominating for 24-25 minutes. Pura unhone game mein aisa dabdaba banaya aur bahut hi freakish goal एंड्रू रॉबर्टसन की मिस्टेक की वजह से जो लैकाज़ेट ने कन्वर्ट किया, उस टाइम तक किसी को नहीं लग रहा था कि आर्सेनल कोई गोल भी स्कोर करेगा. और मानना पड़ेगा लिवरपूल का कि जैसे ही वो व्हेन दे फेल बिहाइंड इन दैट गेम, हाउ दे रिएक्टेड इन दैट गेम. अगर आप उनके प्लेयर्स देखिए, जैसे उनके फुल बैक्स ने रन किए, जैसे माने ने कन्वर्ट किया, जब साला ने, जब फर्स्ट गोल उनका भी हुआ था, तो वो साला का एक स्ट्रेंथ था जो वो डी में आके उन्होंने अटैक किया और सैडली फ्रॉम आर्सेनल पॉइंट ऑफ व्यू वो कीपर उनको होल्ड नहीं कर पाए, लेकिन माने ने वो कन्वर्ट किया. सेकंड गोल में भी अगर आप देखें तो आप ये देखिए, दो फुल बैक्स ने आपस में कंबाइन किया, जो कि बहुत ही रेयर होता है कि एक फुल बैक पास दे रहा है, दूसरा फुल बैक कन्वर्ट कर रहा है. और दिस वॉज अ ग्रेट रिडेम्पशन फॉर एंड्रू रॉबर्टसन ऑल्सो, जिनका पहले गोल में बहुत बड़ा हाथ था कंसीड करने में, उन्होंने दूसरा गोल खुद भी स्कोर किया. और तीसरे गोल की भी अगर आप बात करें तो मैं ये मानता हूं कि लिवरपूल ने पूरे गेम में चांसेस करे, लेकिन जैसे हमने अपने प्रिडिक्शन में भी कहा था कि सबाइलोस एक बहुत बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है आर्सेनल के, जिनको मेरे हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए था, वो स्टार्ट नहीं किए. उन्होंने लैकाज़ेट के लिए एक बहुत ही प्लेटर पे रख के एक बहुत अच्छा पास दिया था और वो गोल होना चाहिए था, लेकिन बट दे कुड नॉट कन्वर्ट दैट. और आफ्टर दैट I was very, very impressed with Diego Jota, how he came in and he just started in as a substitute. वो अपनी एक हैट्रिक कर सकते थे actually at the end. He had very good chances. But I was very happy that he scored that goal as well. And I think after a long time, Liverpool has also got a very good backup for the front three, which Liverpool were lacking. You know, they had a very good team, but Diego Jota ने जैसा game खेला, में they were probably the best team in this game week. A very strange game. Tottenham versus Newcastle. And Tottenham अपनी 5-1 की जीत के बाद जो है वो इस गेम में आए थे, एंड एवरीबडी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द सॉन केन कॉम्बिनेशन. वॉज वाई इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज गेम, बिकॉज Newcastle had almost I'd rather say some 12, 13, 14 attempts at goal. And Kyle Darlow, the Newcastle keeper, he was like a rock standing between the goal post. उन्होंने बहुत शानदार गोल बचाए और उनके साथ साथ गोल पोस्ट भी उनको न्यूकासल के साथ में था. यू नो सॉन हैड टू शॉट्स व्हिच ही हिट द वुडवर्क एंड इन फैक्ट इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ, बट देन सॉन हैड टू गो ऑफ इन द सेकंड हाफ बिकॉज ऑफ ए हैमस्ट्रिंग इंजरी. बट देन न्यूकासल वर लीडिंग 1-0 कंफर्टेबल इन द फर्स्ट हाफ एंड दे कुड एक्चुअली हैव स्कोर्ड 3-4 मोर गोल्स इफ नॉट फॉर द न्यूकासल गोलकीपर. But then a very strange incident happened towards the injury time in the second half, and that was a turning point when Newcastle got a penalty, and this was a very controversial decision. VAR ne ye decision diya tha Newcastle ke favor mein, jabki Andy Carroll ka header it had just hit the trailing arm of the Newcastle of the Tottenham defender. And उसमें अगर आप बोले कि दैट न्यू द प्लेयर कुड हैव एक्चुअली यू नो ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम नॉट टचिंग द बॉल वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट वाज सो द डिस्टेंस वाज सो लेस बिटवीन द टू एंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू ट्रैवल फ्रॉम द हेड टू द हैंड वाज वेरी 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 स्मॉल राइट सो अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन एंड अ लॉट ऑफ कोचेस हैव बीन क्रिटिसाइजिंग दिस बट रूल्स आर रूल्स and Newcastle were awarded a penalty and that they scored and the game ended 1-1. Disappointing for Mourinho, but Newcastle got a good away goal at White Hart Lane. But yes, an interesting turn of events in this game. Moving on, I think interesting turn of events agar yahan hue is game ke dauran Newcastle aur Tottenham mein Brighton United ka jo game tha uske andar jis tarah ke events dekhe gaye the aakhri ke 5-7 minute mein I'm sure a Man United fan like Rajat would have been jumping in his chair towards the end of the game. Rajat, so
कैसा था आपका एक्सपीरियंस वॉचिंग दैट नर्वी गेम? Hi, thanks Vaibhav. Thanks for bringing me in for this part. First of all, I'd like to mention कि पहले एक definition होती थी Fergie time की, जब last moments में Man United score कर लेता था और match बराबर या फिर match जीत के निकाल के ले जाता था. But इस बार तो Fergie time को भी आगे निकल चुके थे. Almost final whistle बजने के बाद United ने जो score किया और match जीता है, तो I think डूबते को तिनके के सहारे वाली बात थी. बाल बाल बचे हैं मेरे मानने से. बहुत ही खराब प्रदर्शन था उससे पहले. ब्राइटन डिजर्व टू गेट एटलीस्ट वन पॉइंट फ्रॉम दिस गेम, इफ नॉट ऑल थ्री. देखिए 2003 के बाद इस मैच में पहली बार हुआ है कि किसी एक टीम ने ही एक ही मैच में पांच बार वुडवर्क को हिट किया है. इफ यू लुक एट द टोटल नंबर ऑफ चांसेस क्रिएटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर नोवेयर नियर ब्राइटन. तो एक टीम जो 18 शॉट्स ले रहा है गोल के ऊपर, जिसमें से पांच शॉट्स ऑन टारगेट लिए हैं, और पांच शॉट्स वो हैं जो वुडवर्क से टकराए हैं. तो ऑब्वियसली आप देखिए कि जो डिफेंसिव फ्रेजिलिटी है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, वो एक्सपोज कर दी है यहाँ पे बुरे तरीके से. और ब्रूनो फर्नांडिस, जिनको आपने विघ्नहर्ता की तरह इंट्रोड्यूस किया, अगर वो ना ही होते उस दिन तो आई थिंक यूनाइटेड को एक भी पॉइंट नहीं मिलना था इस गेम से. तो आई थिंक ऑल इन फॉर बोथ द मैनचेस्टर क्लब्स. आई थिंक दे हैव कम इन लेट इनटू द प्रीमियर लीग, बट दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज. दे आर वर्ल्ड बीटिंग टीम्स एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मच मोर फ्रॉम देम. देखिए ट्रांसफर विंडो में अभी 5-6 दिन अभी और बाकी हैं, तो देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर साइन कर पाते हैं. और अपने जो तीन पोजीशंस इस टाइम पे, एक लेफ्ट बैक, एक सेंटर बैक और एक सेंटर फॉरवर्ड या विंग पे जो ये पोजीशंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं उसमें से कितनी पोजीशंस को क्लोज कर पाते हैं. ऑल इन ऑल एज अ यूनाइटेड फैन, आई थिंक वी गॉट आउट ऑफ जेल ऑन दैट डे. डिड नॉट डिजर्व एटलीस्ट इवन वन पॉइंट. मुझे लगता है कि ब्राइटन डिजर्व टू विन, बट एज अ यूनाइटेड फैन आई एम वेरी हैप्पी दैट वी गॉट आउट ऑफ दैट पोजीशन गेटिंग ऑल द 3 पॉइंट्स. ये तो हुई यूनाइटेड और ब्राइटन के मैच की बात. आपसे जानना चाहेंगे एवर्टन और क्रिस्टल पैलेस के मैच के बीच में आपको क्या लगा, कौन कैसा खेला और आपके क्या व्यूज हैं इस बारे में? सो एवर्टन वाज कमिंग ऑन द बैक ऑफ अ 2-game विन स्ट्रीक एंड आई थिंक काफी इंप्रेसिव उनका परफॉर्मेंस रहा. दे वर स्कोरिंग गोल्स एंड एंचेलोटी का जो वो स्टैंप ऑफ हिज अथॉरिटी वाज शोइंग थ्रू आउट द गेम्स. This was not the most classic games that you would see. Not many goals scored. 2-1 game result jo hai wo lagta hai that there were goals in the game, but there were some streaky goals. So they scored a goal in the early stages, Everton, and then Crystal Palace came back through Cheku Koyate. It was a game when which was decided by another VAR controversy. There was another penalty incident, and unfortunately, Crystal Palace conceded a penalty via handball, and VAR ne usko rule kiya in favor of Everton. Richarlison scored the penalty, and the score was 2-1 in the first half by the 40th minute. Uske baad mein, both the teams had chances. Everton had the better chances. Crystal Palace tried to force the issue, but bahut zyada saves nahi karne ko mauka mila Pickford ko. But Everton is winning these games and away to Crystal Palace. Crystal Palace, the same team that won away at Old Trafford a week back. So they are showing signs of a top club. Yeah. Rajat, Arsh, I have been impressed by the way Everton are playing. They are playing like a cohesive unit. As Arsh, you have been pointing out, teams playing like a group, a unit. Everton, for sure, their front three, Richarlison, Dominic Calvert-Lewin, and James Rodriguez is looking like a pretty impressive trio of attackers. And they look like a team to beat here. Yeah. Absolutely, absolutely. And jaise Vaibhav aap baat kar rahe hain, dekhiye. एक होती है टीम जो जीत रही है, कैसे मैचेस निकाल रही है. सी इन द कोर्स ऑफ द सीजन टीम्स वुड कम अक्रॉस गेम्स वेयर इन दे वुड हैव प्लेड वंडरफुली वेल एंड दे वुड हैव वॉन इट बाय 4-5 गोल्स एंड दे वुड हैव बीन सम टेंस गेम्स एज वेल. और ये जो टेंस गेम निकालने वाली जो चीज़ है वो ये गेम है जिसमें 2-1 एक एक गोल से वो टीम्स निकालती है. आई थिंक दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ एवर्टन. और इसमें कार्लोस एंजेलोटी का एक बहुत बड़ा, आप कहते हैं अब उनकी छाप दिखती है इस गेम में, बिकॉज वो एक टीम में एक काफ़ी एक अच्छा बेस बना रहे हैं और लग रहा है कि एवर्टन
is on a right track. So team to look out for this season for sure. कीपर्स की बात कर रहे हैं, केपा की बात कर रहे हैं, तो चेल्सी का नाम तो जिक्र हो ही जाता है. और ये जो एक आई थिंक वन ऑफ आवर प्रेडिक्शंस इन द लास्ट गेम वी केम थ्रू एंड दिस वाज यू नो एवर्टन चेल्सी अगेंस्ट वेस्ट ब्रॉम. आई हैड सेड वेस्ट ब्रॉम विल नज चेल्सी एंड दे विल रियली डिस्टर्ब चेल्सी इन दिस गेम. और उन्होंने बहुत तंग किया फर्स्ट हाफ में, जिस तरह से वो वेस्ट ब्रॉम ने चेल्सी को तंग किया, आई एम श्योर चेल्सी फैंस वुड हैव बीन स्वेटिंग. अर्श, यू सॉ द गेम. was a very funny game. So, what did you make out of the performance of West Brom and Chelsea in that game? देखिए, सबसे पहले तो आपने बात की कैपा की. इस गेम में चेल्सी ने वो चेंज किया, जैसे हम कह रहे थे कि कैपा उस स्टैंडर्ड के नहीं है, तो इस गेम में कैबेलेरो ने स्टार्ट किया, लेकिन उनको आधे पौने घंटे में ही समझ में आ गया दैट द ग्रास इज डेफिनेटली नॉट ग्रीनर इवन व्हेन यू आर यू नो यू व्हेन यू सी फ्रॉम द साइड लाइंस. बिकॉज देखिए, इस गेम में कुछ चीज़ें बहुत वियर्ड हुई हैं. वियर्ड ये मैं इसलिए बोलूँगा बिकॉज थियागो सिल्वा का ये पहला गेम था, और थियागो सिल्वा के रहते रहते भी, इनफैक्ट इन द फर्स्ट, अगर आप स्टार्टिंग में गेम देखो तो थियागो सिल्वा भी बहुत कैजुअली पोजेशन देकर भी उन्होंने एक गोल कंसीड करवाया था. तो इस गेम में बहुत हैरानी हुई कि पहले आधे घंटे में ही वेस्ट ब्रॉम ने इतना अच्छा खेलना शुरू कर दिया, इतने चांसेस, उनको इतना स्पेस मिला. अगर गेम देखो तो बिल्कुल खुला स्पेस मिला है वेस्ट ब्रॉम को, और जिन्होंने उन्होंने एक के बाद एक, एक के बाद एक तीन गोल फटाफट दाग दिए, और किसी को ये समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है. मतलब हमने ये मैच देखा, चलिए हमने ये प्रेडिक्ट किया था, लेकिन आप अगर चेल्सी की गेम देखो कि 220 मिलियन से ऊपर खर्च के इतनी बढ़िया टीम असेंबल करने के बावजूद जिस स्थिति में वो लोग आ गए थे, तो वो 3-0 जैसे ही हुआ उसके बाद तो लगने लगे कि भाई वो तो अब हार गए इस गेम में. लेकिन क्रेडिट आपको चेल्सी को देना पड़ेगा इस गेम में फिर भी वापस आने के लिए. चाहे वेस्ट ब्रॉम ने सेकंड हाफ में बिल्कुल ही प्रेशराइज होके बिल्कुल ही डर कर दे प्लेड दैट गेम, लेकिन आप अगर चेल्सी की बात भी करो तो चेल्सी के तीनों गोल उनके यंगस्टर्स ने स्कोर किए, चाहे वो मेसन माउंट है, चाहे वो हडसन ओडोई है, और चाहे वो टैमी अब्राहम है. उन्होंने बहुत जबरदस्त वापसी करके गेम किया, लेकिन थर्ड गोल शुड नॉट हैव स्टूड. थर्ड गोल इन द बिल्डअप अगर आप देखो तो काई हैवर्ट्स का उसमें वो था, हैंडबॉल थी, एंड दैट गोल शुड हैव बीन डिसअलाउड. अगेन एक वार इशू जिसकी हम लोग बात करते हैं, वो इस गेम में बहुत सब्सटेंशियल था, और आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड टू सी दैट गोल बीइंग अवॉर्डेड टू देम. सो I would say Chelsea was pretty average in that game. The only thing which got them was their quality and the youngsters, the zeal they had, and they were lucky. So this should have been a West Brom victory, but Chelsea were lucky to get that one goal. Thank you, Harsh. This game week also had some other interesting games that we saw. Most interesting of them was, Wolves getting beaten away at West Ham by 4-0. Wake up call for the team and their coach. Exactly. मुझे तो लग रहा है नूनो को बहुत दुख हुआ जोटा का जाने का, और उस वजह से आई डोंट थिंक द टीम इज नॉट जेलिंग वेल. सो या इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग गेम. और टू अर्ली टू से बिकॉज़ आई थिंक ऐसे वेक अप कॉल्स ना टीम्स को मिलने चाहिए व्हेन दे गेट टू कॉन्फिडेंट अबाउट देयर एबिलिटीज, बिकॉज़ दे वर एक्सपेक्टेड टू डू वेल अगेंस्ट सिटी. दे डिड नॉट रियली पोज अ थ्रेट बिकॉज़ सिटी वाज ग्रेट इन दैट गेम, बट वुल्व्स somehow this season haven't started that well. जो उनसे predictions पिछले दो game, दो seasons के करके जो है expectations high रहती हैं, I think उनकी जगह लेने के लिए इस बार Everton और Leicester जो है वो उनसे थोड़ा सा pecking order में ऊपर चले गए, at least with the look of the games that are going by. By the way, Semedo के बारे में आपका क्या कहना है? यार, I think first game था Semedo का, और you know, to start off with a 4-0 loss, and when you have made defensive reinforcements, moved from a club like Barcelona, better things were expected. I think he was just trying to settle down in this game. I could not see a lot. He struggled through the game, but again, I think we should wait for some more games to see Nelson Semedo. He's a class player, by the way. He's a class act, and let's hope for better games from him. But moving on, I think Aston Villa has also started this season pretty well, 100% record. और Fulham के against उनके घर जाकर जो है उनको 3-0 से हराया, काफी comfortable victory था उसके लिए, Aston Villa के लिए ये. So a good start for Aston Villa, and we also saw Leeds United winning away at Sheffield United. Sheffield United, by the way,
is under trouble, and most of the football fans who have been watching them play, they feel the worst for them this season, or at least it's not good for Sheffield ke liye is bar. So Leeds winning their second game on the trot was a good achievement, and and I think this game week was, I think we will complete this game week by the final match between Burnley and Southampton. Burnley and Southampton ka game again, very few chances, but Southampton winning away at Burnley. Burnley again, like Sheffield United, struggling in this season. But Southampton ke liye ek pehli victory is Premier League season ki. The team couldn't be happier with the win, and Danny Ings being the provider this time again. So overall a great game week, but then we have a better game week every time we are talking in this chat show, and this better game week is game week 4, and so many goals have been scored so far in this game, in this Premier League season. The first three game weeks have been goals galore, and looking forward to some interesting games. Arsh, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, गेम ऑफ द वीक जो लगता है सभी को यहाँ पर, मोरिनियो जा रहे हैं ओल्ड ट्रैफर्ड वापस, और इस बार टॉटनम के कोच बनकर. क्या लगता है आपको टॉटनम और यूनाइटेड का गेम कैसा रहने वाला है? देखिए, दिस इज वन ऑफ द गेम्स व्हिच वी वुड सी यूनाइटेड कमिंग बैक. I think they would be pretty aggressive in this game, and they would try to bury the Demons. I won't say Demons because they won the last game, lekin is game mein I think United thoda better rahega, aur mujhe lagta hai ki Mourinho United jaake last time bhi thoda intimidated the ya maybe thoda sa dar ke khel rahe the. So I see United winning this game 3-2. Okay, and Rajat, United home, kya lagta hai aapko, how would this game pan out? देखिए वैभव, आई वुड आइडियली वॉन्ट यूनाइटेड टू विन एंड ब्रेक द यू नो द पैटर्न विच इज़ फॉर्मिंग इन दिस ईयर प्रीमियर लीग. आप देख रहे हैं कि क्लब्स अवे गेम्स में जाके काफ़ी ईजिली मैच जीत के आ रहे हैं क्योंकि फैंस का एब्सेंस है. तो आई थिंक यूनाइटेड विल वॉन्ट टू ब्रेक दिस पैटर्न, और घर पर अपने मैच है तो जीतना चाहेंगे. सेकेंडली, आई थिंक गैरेथ बेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. लेट्स सी हाउ दैट गोज, बिकॉज ही इज़ कमिंग बैक टू टॉटनम एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर. तो उनका आने से क्या मोटिवेशन लेवल्स इंक्रीज होते हैं टॉटनम के, और कैसा परफॉर्म करते हैं यूनाइटेड पे. आई प्रेडिक्ट, आई थिंक ये क्लोज मैच रहेगा, 2-1 से यूनाइटेड के फेवर में मुझे लगता है कि स्कोर लाइन रहना चाहिए. और आप क्या सोचते हैं? आप सबके विपरीत, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दिस गेम विल बी अ वेरी टाइट अफेयर, अ वेरी नर्वी अफेयर फॉर बोथ द क्लब्स. थोड़ा डिफेंसिव टैक्टिक्स लेकर आएंगे मोरिनियो इस गेम में, और मुझे लगता है ये गेम काफी क्लोज 1-1 ड्रॉ finish hoga. That's my prediction for the game. But we have some interesting games to look forward to, Arsh, Rajat. I'm sure aap log ke predictions hamare fans tak pahunchne wale hain for this game week. I for one am very excited for this Leeds United game versus Manchester City, because I would want to see this fast counter-attacking team moving swiftly between the front and the midfield. I think I want to see them actually test City. But aapko kya lagta hai, City or Leeds, would City actually be back from that shock loss against Leicester? Harsh, mere ko to definitely lagta hai, because I don't think lightning will strike twice again for City, and that too in the corresponding weeks. So I believe it would be a high scoring game, because as you said, the nature of the teams is ki wo dono hi attack karte hain, end to end football hogi, dhamakedar goals honge. Mere hisab se City is bar Leeds ko 4-2 se harayega. So 4-2, what I believe City will win. Thanks Harsh. Rajat, there are some other interesting games to look forward to. Chelsea is playing Crystal Palace and Arsenal playing Sheffield. आपका क्या prediction in दोनों home games? आपको लगता है comfortable victories for these top clubs? देखिए वैभव, once again I would like to say कि pattern बड़ा dangerous form हो रहा है away teams के जीतने का, और home कोई अभी इस time पे कोई home वो fortress रह नहीं गया है कि आप उसको breach नहीं कर सकते. तो I think Chelsea Crystal Palace again will be a very interesting game. Although I feel 2-1 से nudge करेगा Chelsea.
and they have like you know starting to get together and play like a team. आपने और हर्ष ने कई बार जिक्र किया कि उन्होंने प्लेयर इकट्ठे कर लिए हैं बट जेल नहीं हो पा रहे हैं. I think Frank Lampard is getting there slowly but surely. I think home game में Chelsea का मुझे जीतना तय लग रहा है 2-1 से. Coming to Arsenal versus Sheffield, Sheffield का देखिए आपने performance देखा ही है. They have been to least say shambolic in the first three matches. तो काफ़ी डेंजरस साइंस हैं. आई थिंक आर्सेनल कंफर्टेबल विक्ट्री 2-1 से और मेरे ख्याल से 3-1 भी हो सकता है बट आई थिंक 2-1 से आर्सेनल शुड विन दिस. और वैभव आपके हिसाब से जो ये एस्टन विला लिवरपूल का गेम है आपने लास्ट देखिए एस्टन विला ने भी बहुत अच्छी शुरुआत की है दो गेम्स अपने जीते हैं लिवरपूल का आपने गेम देखा है आप क्या कहते हैं इस गेम के बारे में. भाई दोनों में से किसी एक टीम का 100% विन रिकॉर्ड इस गेम में ब्रेक होना ही है. और if I have to look at the performance of the last you know the previous game week I think Liverpool will just be a little too strong for Aston Villa in this game so I think Liverpool will edge and I am predicting a 2-0 victory for Liverpool in this game so yeah just like a true Liverpool fan I think it will be a win for Liverpool. Any surprising results which you both foresee in this game week? So I am keeping myself away from any surprises this game week. I'm rather going for a very straightforward and I'm again Rajat ke kehne ke vipreet main home wins pe ja raha hu is baar but surprises to bhai dekhiye Premier League ke jo hai wo game weeks ka hissa bante ja rahe hain to you can never be left behind here. So I'm sure there will be surprises on the way, but this looks like a more straightforward game week to me, Arsh. That for sure for me it looks like a straightforward game week. I predict one surprise. I think Everton will drop points in this game week because आप दोनों ने वो मेरे से बिल्कुल different सोचा है, लेकिन मेरे हिसाब से Brighton and Everton का game draw हो सकता है. तो मैं I'm going for 2-2. That is a surprise which I foresee in this game week. Right. Thank you, Arsh. And I'm sure हम लोगों की predictions, मेरी अर्श की और रजत की predictions, आप लोगों को हमारे वीडियो के एंड में you will be able to see our predictions there. और हमारा लीडर बोर्ड भी जरूर फॉलो करिएगा कौन जो है वो कितना कौन मैं कौन कितने पानी में है. अर्श यहाँ पर बोलना चाहते हैं पानी के बारे में कुछ. अर्श देखिए मैं अब कौन किसको पानी पिलाता है वो तो इस गेम वीक के बाद ही पता लगेगा. वो मेरा वन ऑफ गेम हम कह सकते हैं. लिवरपूल 3 गेम हारा था लास्ट सीजन जब जीता था तो आई हैव लॉस्ट वन ऑफ द गेम. सो लेट्स सी आई होप आई वुड हैव हैप्पी टाइम्स टू सेलिब्रेट माय प्रेडिक्शंस नेक्स्ट टाइम. ग्रेट. सो रजत एनी पासिंग फाइनल comments from you for this coming game week, anything that you look forward to, any player you look forward to, any signing you look forward to? देखिए वैभव अर्श आई मेंशन गैरेथ बेल का मैं देखना चाहूँगा कैसा परफॉर्म करते हैं और आई थिंक ही विल बी अ वेरी यू नो ही विल हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन हाउ दैट मैच पैन्स आउट. तो मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ यूनाइटेड और टॉटनहम के मैच के बीच में और साथ ही साथ मैं अपने व्यूवर्स को और फ्रेंड्स को कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें और फैंटेसी टीम के सिलेक्शन के लिए भी आपको स्पॉट्स बताते रहें और ड्रीम इलेवन के लिए भी आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहें तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए. राइट हैंड बॉटम में आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक्स रजत. एंड मैं एक फेमस गाने की एक लाइन से हमारे इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा. कहते जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ. तो ये जो है आज हमारे जो प्रीमियर लीग फैंस है जो अक्रॉस द वर्ल्ड आई थिंक प्रीमियर लीग उनके लिए इस तरह का ही एक जो है वो एक हिस्सा उनकी ज़िंदगी का बन गया है कि वो गेम वीक को इतना वेट करते हैं कि कब वो शनिवार आए कब वो रविवार आए जबकि मैं गेम वीक और मैचेस को फॉलो करूं. तो आई थिंक प्रीमियर लीग इज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड आई एम श्योर दिस गेम वीक विल बी अनदर रीजन.